मैं दीपक मां आपके अपने YouTube चैनल दीपक साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण को व्युत्पन्न किया था और हमने प्रकाश वैद्युत समीकरण की सहायता से जो हमारे पास प्रकाश वैद्युत प्रभाव के जो नियम थे उनकी व्याख्या भी की थी और उसके बाद बच्चों हमने प्रकाश के द्वैत प्रकृति के बारे में पढ़ा था, फोटोन के बारे में, और हम तरंगी, एक तो तरंगीय प्रकृति और एक हमारे पास कणीय प्रकृति। कणीय प्रकृति फोटोन थी, तरंगीय प्रकृति विद्युत चुंबकीय तरंग थी। और बच्चों उसके बाद में हमने डी ब्रोगली परिकल्पना के बारे में पढ़ा था और डी ब्रोगली ने द्रव्य तरंगों के बारे में बताया था। तो बच्चों अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो मैं उसका डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा हूं, वहां जाइए और आप वहां से वो वीडियो देख सकते हो, ठीक है। और बच्चों अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। और आपके कोई भी डाउट हो, अगर आपको नोट्स को पीडीएफ फाइल नहीं मिली है तो भी आप कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट कीजिए, मैं आपको पीडीएफ फाइल इस चैप्टर की आपको अवेलेबल करवाऊंगा, ठीक है। बच्चों आज हम इस वीडियो लेक्चर में जो हमारे पास डी ब्रोगली की जो द्रव्य तरंगों की परिकल्पना थी उसी टॉपिक को हम थोड़ा आगे बढ़ाते हुए चर्चा करेंगे। बच्चों आज का यह वीडियो लेक्चर है वह पूरा का पूरा डेरिवेशन पार्ट है, ठीक है, जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ड्यूट्रॉन इन सभी की हम वेवलेंथ कैलकुलेट करेंगे और बच्चों उन फॉर्मूलों से हमारे एग्जाम में डायरेक्टली न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बच्चों न्यूमेरिकल पार्ट की दृष्टि से आज का जो वीडियो लेक्चर है वह हमारे एग्जाम की दृष्टि से बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पहले तो अभी तक हमने डायरेक्टली ये पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि जो लैम्डा होती है वो क्या होता है, एच अपॉन पी, ठीक है। आज मैं ये चर्चा करूंगा कि इसको हम व्युत्पन्न कैसे करते हैं, ठीक है ना, उसके बारे में चर्चा करूंगा। वैसे मैंने फोटोन कॉन्सेप्ट में आपको इसको डेराइव करना भी मैंने आपको सिखाया था, ठीक है। चलो कोई नहीं, आज हम फिर से इसको व्युत्पन्न करेंगे। एग्जाम में पूछा जाता है कि डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य को व्युत्पन्न कीजिए या डी ब्रोगली समीकरण को व्युत्पन्न कीजिए, जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है, ठीक है। बच्चों तो शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले द्रव्य तरंगों का तरंग दैर्ध्य, मतलब द्रव्य तरंगों की तरंग दैर्ध्य कैसे ज्ञात करते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। द्रव्य तरंगों के बारे में किसने बताया, डी ब्रोगली नामक वैज्ञानिक ने बताया, इसलिए हम इसको इसी टॉपिक को हम क्या कह सकते हैं, डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य ज्ञात करना, ठीक है। बच्चों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ठीक है। और एनीवे आपके कोई भी डाउट हो तो भी कमेंट बॉक्स में जाइए और अपने डाउट को वहां पर जाके लिखिए, ठीक है, जो भी आपके कोई भी डाउट हो, ठीक है। अब देखो चलो शुरुआत करते हैं अपन। तो बच्चों अगर मैं आपसे बात करूं, जो हमारे पास मैक्स प्लांक नामक वैज्ञानिक थे, तो मैक्स प्लांक नामक वैज्ञानिक ने क्वांटम सिद्धांत दिया, क्वांटम सिद्धांत से फोटोन निकल करके आता है और मैक्स प्लांक नामक वैज्ञानिक बताते हैं कि जो फोटोन की ऊर्जा होती है, या फिर मैं कहूं क्वांटम सिद्धांत से हम बात करें कि जो फोटोन की ऊर्जा होती है वो बच्चों क्या होती है, आवृत्ति के समानुपाती होती है, यह बात मैंने आपको बताई थी। और समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो हमारे पास एक कांस्टेंट आता है, जो कांस्टेंट क्या आता है, एच, जिसे हमने क्या कहा था, प्लांक नियतांक कहा था। तो बच्चों अगर मैं बात करूं प्लांक के क्वांटम सिद्धांत से, प्लांक के क्वांटम सिद्धांत से फोटोन की ऊर्जा, तो बच्चों अगर मैं मैक्स प्लांक के क्वांटम सिद्धांत से अगर मैं बात करूं तो फोटोन की जो ऊर्जा होती है वो बच्चों
उसकी आवृत्ति के समानुपाती होती है न्यू के, और समानुपाती का चिन्ह हटाया था तो यहाँ पर अपने पास एक नियतांक आया था और वो नियतांक बच्चों हमारे पास क्या था, एच था। क्या था बच्चों? एच था, जिसे हमने क्या कहा था बच्चों, प्लांक नियतांक कहा था। तो यहाँ पर बच्चों अगर मैं बात करूं यहाँ पर एच क्या है, जहां एच प्लांक नियतांक, एच क्या है प्लांक नियतांक, और इस प्लांक नियतांक का मान बच्चों क्या होता है 6.626 इंटू 10^-34 जूल इंटू सेकंड, ठीक है बच्चों। और न्यू क्या है बच्चों यहाँ पर, आवर्ती। क्या है बच्चों? आवर्ती होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है, ये बात क्लियर आपको। अब बच्चों अगर मैं आपको बताऊं, आप सभी जानते होंगे, या मैं कहूं वी नाउ दैट, हम सभी जानते हैं कि न्यू बराबर क्या होता है, सी अपॉन लैम्डा। सी क्या है बच्चों? वेलोसिटी ऑफ लाइट, प्रकाश का वेग, और लैम्डा क्या है बच्चों? वेवलेंथ। क्या है बच्चों? वेवलेंथ। तो अगर मैं न्यू की जो वैल्यू है वो इक्वेशन नंबर में एक में यहां पर रखूं कि न्यू, तो न्यू की वैल्यू अगर मैं रखता हूं तो इक्वेशन नंबर एक से, या फिर मैं कहूं समीकरण नंबर एक से, मैं क्या कह सकता हूं, E बराबर मेरे पास में क्या आएगा, एच सी अपॉन लैम्डा, क्योंकि मैंने इस न्यू की जगह क्या रख दिया, सी अपॉन लैम्डा, और ये मेरे पास इक्वेशन आ जाता है 2, ठीक है, ये बात क्लियर। अब देखो ये तो हमने, ये हमने मैक्स प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत से जाना कि फोटोन की ऊर्जा क्या होती है, E बराबर एच न्यू होती है। अगर ये न्यू आवर्ती के पदों में है, और यहां पर मैं बात करूं लैम्डा, यहां पर ये वेवलेंथ के पदों के अंदर है, या वेवलेंथ की फॉर्म में है, ठीक है, क्योंकि हम वेवलेंथ में इसीलिए कन्वर्ट किए हैं इसको, क्योंकि हम तरंग दैर्ध्य को कैलकुलेट करना जा रहे हैं, ठीक है। अब देखो बच्चों, यदि यदि गतिशील फोटोन, यदि गतिशील फोटोन फोटोन का द्रव्यमान, यदि गतिशील फोटोन का द्रव्यमान स्मॉल एम है, तो क्या है बच्चों, स्मॉल एम। देखो मैंने यहां पर बहुत ही ध्यान से लिखा है, यदि गतिशील फोटोन, क्योंकि आपको पता है कि अगर फोटोन विराम अवस्था में होता है तो उसका जो वेग होता है, या फिर उसकी जो वेग होता है वो, उसका जो द्रव्यमान होता है वो कितना होता है बच्चों, जीरो होता है। और जो उसकी वेग की अगर मैं बात करूं, तो मैंने आपको कहा था कि फोटोन विराम अवस्था में उसका स्थायित्व ही नहीं होता है, और वैसे जनरल तौर पे अगर मैं बात करूं तो फोटोन का जो निर्वात के अंदर जो वेग होता है वो कितना होता है, प्रकाश के वेग के बराबर होता है। तो बच्चों यदि गतिशील फोटोन का द्रव्यमान स्मॉल एम है, तो स्मॉल एम है तो बच्चों आइंस्टीन के ऊर्जा द्रव्यमान संबंध से, आइंस्टीन के ऊर्जा द्रव्यमान संबंध से हम क्या कह सकते हैं, E बराबर एम सी स्क्वायर। आपको सभी को पता है आइंस्टीन को जो ऊर्जा, आइंस्टीन का जो ऊर्जा द्रव्यमान संबंध होता है वो क्या होता है, E बराबर एम सी स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो देखो अगर मैं आइंस्टीन के ऊर्जा द्रव्यमान संबंध से बात करूं तो फोटोन की एनर्जी ये होती है, और अगर मैं मैक्स प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत से बात करूं तो फोटोन की ऊर्जा E बराबर एच सी अपॉन लैम्डा होती है। दोनों ही हमारे पास में सही है। अब आप देख रहे हो इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 बच्चों, यहां पर एम क्या है, यहां पर एम तो है फोटोन का द्रव्यमान है, मास ऑफ फोटोन, और वो भी जब फोटोन गतिशील अवस्था में हो, ठीक है। सी क्या है, लाइट का वेग है, प्रकाश का वेग है, ठीक है। अब देखो बच्चों अगर मैं बात करूं इक्वेशन नंबर 1 सॉरी इक्वेशन नंबर 2 समीकरण 2 व 3 की तुलना करने पर, तुलना करने पर देखो तुलना क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है वहां पर भी E एनर्जी, दोनों की एनर्जी यहां पर सेम है, इसकी एनर्जी है वो एम सी स्क्वायर के रूप में है, यहां पर एस अपॉन लैम्डा के रूप में है। तो आप देख रहे हो क्वांटम सिद्धांत ये कहता है एनर्जी ये होती है जो भी लाइट है, आइंस्टीन का ऊर्जा द्रव्यमान संबंध ये कहता है फोटोन की एनर्जी होती है जो भी लाइट है,
ठीक है। तो एक बात कहो, दोनों के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हैं तो राइट हैंड साइड भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ठीक है बच्चों, तो मैं इसकी जब तुलना करूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, एम सी स्क्वायर बराबर क्या रहेगा, एच सी अपॉन लैम्डा। यहां पर भी सी है, यहां पर सी स्क्वायर है, तो एक सी से यहां पर एक सी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या बचेगा, एम सी बराबर एच अपॉन लैम्डा। क्या बचेगा, एम सी बराबर एच अपॉन लैम्डा। अब बच्चों यदि अगर मैं बात करूं, यदि हमारे पास में फोटोन का संवेग पी है तो, कितना है तो पी है तो बच्चों आपको पता है पी बराबर क्या होता है, एम वी होता है। एम का मतलब मास और वी का मतलब वेग। तो बच्चों यहां पर जो फोटोन का वेग होता है वो क्या होता है, प्रकाश के वेग के बराबर होता है, इक्वल होता है, या फिर मैं कहूं सी के बराबर होता है, क्योंकि प्रकाश के वेग को अपन सी से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो यहां पर मैं वी नहीं लिख करके क्या लिखूंगा, सी। अब आपको पता है यदि फोटोन का संवेग पी है तो पी बराबर क्या होता है, एम वी, और वी न लेकर के अपन क्या लेंगे, सी, क्योंकि फोटोन का वेग प्रकाश के वेग के इक्वल होता है। ठीक है, अब आप देख रहे हो यहां पर ये एम सी है, ये हमारे पास में क्या बन गया बच्चों, पी बन गया, जो हमारे पास में, या फिर मैं कहूं संवेग बन गया हमारे पास में। तो पी बराबर क्या होगा बच्चों, एच अपॉन लैम्डा। इस इक्वेशन से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं बच्चों, संवेग ज्ञात कर सकते हैं, कब, जब हमें लैम्डा दे रखी हो, या फिर मैं इसी इक्वेशन को और क्या लिख सकता हूं, हमें लैम्डा कैलकुलेट करनी है तो लैम्डा बराबर क्या होगा बच्चों, एच अपॉन पी, ये इधर आ जाएगी और ये इधर चली जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास में फोटोन की क्या आ गई बच्चों, तरंग दैर्ध्य आ गई। क्या आ गई, तरंग दैर्ध्य। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं यही फोटोन से संबंधित तरंग दैर्ध्य है। क्या है, तरंग दैर्ध्य है, या फिर मैं कहूं इसे अपन क्या कहते हैं बच्चों, इसे ही कहते हैं डी ब्रोगली समीकरण। क्या कहते हैं बच्चों, डी ब्रोगली समीकरण हम इसे ही कहते हैं। यह हमारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार हमारे पास हमारे एग्जाम में इसको व्युत्पन्न करवा लिया जाता है। ठीक है, अब देखो इंपॉर्टेंट है ये बहुत ज्यादा, इसके डेरिवेशन को इम्प्रूव करवाए आप इसको व्युत्पन्न कर सकते हैं ऐसे। अब देखो यहां पर आप क्या देख रहे हो, यहां पर एच क्या है बच्चों, कॉन्स्टेंट है। एच क्या है, कॉन्स्टेंट है, प्लांक नियतांक है, और जो एक कैसी राशि है, कॉन्स्टेंट राशि है। अगर ये कॉन्स्टेंट है, अगर मैं इसको हटाता हूं तो हमारे पास में यहां पर क्या आता है, लैम्डा किसके व्युत्क्रमानुपाती, पी के व्युत्क्रमानुपाती। मतलब जो लैम्डा होती है, जो तरंग दैर्ध्य होती है, वो बच्चों किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है, संवेग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, या फिर मैं कह सकता हूं अगर संवेग बढ़ेगा तो लैम्डा क्या होगी बच्चों, घटेगी। ठीक है, और यदि हमारे पास में संवेग घटेगा, संवेग कम होगा, तो हमारे पास लैम्डा क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो याद रखना बच्चों, हमारे पास में संवेग और तरंग दैर्ध्य होती है, वेवलेंथ होती है, उसमें क्या रिलेशन होता है, तो बच्चों याद रखना तरंग दैर्ध्य होती है वो संवेग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब है व्युत्क्रम का मतलब होगा उल्टा। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि यहां पर पी का मान बढ़ेगा तो इसके उल्टा होगा, विपरीत होगा, लैम्डा का मान, पी का मान बढ़ेगा तो लैम्डा का मान घटेगा, पी का मान घटेगा तो लैम्डा का मान बढ़ेगा। तो ये बात क्लियर यहां तक, तो ये बात क्लियर है बच्चों, हमने द्रव्य तरंगों का तरंग दैर्ध्य, जिसे हमने डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य इक्वेशन भी कहते हैं, डी ब्रोगली समीकरण भी कहते हैं, या फोटोन की तरंग दैर्ध्य भी कहते हैं। ठीक है, ये मैंने व्युत्पन्न कर दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये हमारे पास चार नंबर इक्वेशन था। तो ठीक है बच्चों, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखो बच्चों,
अब अपन शुरुआत करते हैं, नेक्स्ट इसके आगे बढ़ते हैं। अभी हमने क्या ज्ञात किया, पहले हमने डी ब्रोगली समीकरण या फिर मैं कहूं फोटोन की तरंग दैर्ध्य हमने ज्ञात की, ठीक है। और फोटोन की तरंग दैर्ध्य ज्ञात करने का हमारे पास में जो इक्वेशन आया, उस इक्वेशन को हमने क्या कहा, डी ब्रोगली इक्वेशन भी कहा या डी ब्रोगली तरंग समीकरण भी कहते हैं। तो बच्चों डी ब्रोगली ने क्या हमें तरंग दैर्ध्य ज्ञात करने के लिए एक समीकरण दिया। वो समीकरण क्या होता है बच्चों, लैम्डा बराबर एच अपॉन पी, यहां पर पी क्या है बच्चों, संवेग है, और तरंग दैर्ध्य और संवेग एक दूसरे के बच्चों क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, ठीक है। अब देखो उसके बाद में डी ब्रोगली नामक वैज्ञानिक ने बहुत सारे कणों के लिए, जो कुछ आवेशित थे कुछ अनावेशित थे, उन सभी कणों की तरंग दैर्ध्य ज्ञात करने के लिए इक्वेशन भी दी, क्योंकि ये भी बताया कि हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन इन सभी की हम तरंग दैर्ध्य कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। और उन पर हमारे एग्जाम में बच्चों न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है बच्चों। और वीडियो पसंद आ रहा है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। तो अब अपना टॉपिक है अगला, और वो टॉपिक क्या है, वो टॉपिक है विभिन्न प्रकार के कणों से संबंधित, विभिन्न प्रकार के कणों से संबंधित द्रव्य तरंगों की तरंग दैर्ध्य ज्ञात करना, ठीक है। ये हमारे पास में टॉपिक है। इसके अंदर हम बहुत सारे कण होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन हुआ, प्रोटॉन हुआ, न्यूट्रॉन हुआ। तो बच्चों अगर आप इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की अगर मैं बात करूं, तो इनमें से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों आवेशित कण हैं, जबकि न्यूट्रॉन क्या है, अनावेशित कण है, ठीक है। तो याद रखना बच्चों, इस प्रकार से डी ब्रोगली ने उनकी तरंग दैर्ध्य ज्ञात की। अब मैं इनमें सबसे पहले बात करता हूं कि गतिशील कण की तरंग दैर्ध्य ज्ञात करना, ठीक है। किसकी तरंग दैर्ध्य ज्ञात करना, गतिशील कण की। अगर कोई इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है तो उससे संबंधित है, डी ब्रोगली ने बताया कि कोई अगर कण है, अगर कोई गतिशील कण है तो वह कण तो है, उसके साथ में एक तरंग भी संबंधित होती है, जिसे उसने क्या कहा था, द्रव्य तरंग या डी ब्रोगली तरंग कहा था। तो बच्चों सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं किसके लिए, गतिशील कण की तरंग दैर्ध्य, गतिशील कण की तरंग दैर्ध्य। तो देखो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कोई भी अगर गतिशील कण है, अगर वो गतिशील कण क्या करता है, गति करता है, तो उससे संबंधित जो तरंग आती है वो तरंग दैर्ध्य हम ज्ञात करने का जो मास्टर फॉर्मूला होता है वो हमारे पास में क्या होता है, ठीक है। तो ये बात बच्चों आप अच्छी तरीके से याद रखना। देखो क्या होता है, मान लिया हमने कि कोई एक m द्रव्यमान का कण है, जो कोई v वेग से, स्मॉल v वेग से क्या कर रहा है, गति कर रहा है। तो बच्चों उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, तो मैं यहां पर मानता हूं कि माना स्मॉल m द्रव्यमान का कण है, स्मॉल m द्रव्यमान का कण है v वेग से गति कर रहा है, तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी हमारे पास में, तो बच्चों गतिज ऊर्जा होगी के, या फिर मैं कहूं के ई, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है, यही होगी। अब बच्चों हम इसको संवेग के रूप में लिखना चाहते हैं, तो संवेग के रूप में लिखने के लिए हम इसको ऊपर और नीचे m से, मतलब द्रव्यमान से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा बच्चों, हाफ m, देखो यहां पर v स्क्वायर था,
m को m से मल्टीप्लाई करेंगे तो m स्क्वायर हो जाएगा, v स्क्वायर हो जाएगा, तो क्यों ना दोनों पर एक साथ ही क्या लगा दे, स्क्वायर लगा दे, और नीचे क्या बच जाएगा बच्चों, m बच जाएगा, क्या बच जाएगा m। अब मेरे को एक बात बताओ कि आप जानते हो या फिर मैं कहूं हम सभी जानते हैं, हम जानते हैं, वी नाउ दैट क्या जानते हैं कि p बराबर क्या होता है एम वी। तो ये m और v है वो किसके बराबर है, किसके इक्वल है, p के इक्वल है। तो मैं यहाँ पर ये भी लिख सकता हूँ जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होगी, हाफ p स्क्वायर, एम वी की जगह मैंने क्या लगा p, और ये इसके क्या हो गया स्क्वायर अपॉन m। अरे एम वी की वैल्यू किसके बराबर है, p, तो यहाँ एम वी की जगह मैंने क्या रख दिया p, और ये p के क्या है स्क्वायर अपॉन m। ये पास हमारे पास भी आ गया, यहां से हम संवेग को कैलकुलेट करते हैं। तो बच्चों अगर मैं p ज्ञात करूं तो वही बात, मैं वज्र गुणा कर सकता हूं, तो मैं p की वैल्यू ज्ञात करना चाहूं तो देखो मैं वज्र इसके नीचे एक है, अगर मैं वज्र गुणा कर दूंगा यहां पर इसको ऊपर वाले टर्म्स को नीचे और यहां इस तरह से, तो देखो पी स्क्वायर को मैं एक से मल्टीप्लाई करूंगा पी, और यहां इधर करेंगे तो पी स्क्वायर ऐसे कैसे रहेगा, और यहां पर हमारे पास में क्या जाएगा टू के एम, और जैसे ही मैं यहां पर स्क्वायर हटाता हूं तो हमारे पास में क्या जाएगा टू एम के, क्या जाएगा टू एम के। बच्चों यहां पर m क्या है, मास है, जिसे भी किसी भी कण का है वो द्रव्यमान है, k है, k क्या है गतिज ऊर्जा है। यहां पर ये आ गया हमारे पास में इक्वेशन नंबर एक, ठीक है बच्चों। यहां पर ये याद रखना ये हमारे पास में क्या है संवेग है। अब आपको पता है कि गतिशील कण होता है उससे संबंधित तरंग दैर्ध्य अभी अभी हमने ज्ञात किया था, क्या ज्ञात किया था, अतः गतिशील कण से, अतः गतिशील कण से संबंधित संबंधित तरंग दैर्ध्य क्या होती है बच्चों, क्या होती है, ये होती है लैम्डा बराबर एच अपॉन पी, और बच्चों पी की वैल्यू हमारे पास में आ गई टू एम के, रूट टू एम के। तो यहां पर मैं पी की वैल्यू रख दूंगा यहां पर इस इक्वेशन में तो क्या जाएगा टू एम के। यहां पर m हमारे पास में क्या है बच्चों, काइनेटिक एनर्जी है, क्या है बच्चों काइनेटिक एनर्जी है। तो बच्चों ये हमारे पास में मास्टर फॉर्मूला आ गया है, अगर कोई भी गतिशील कण है तो उसकी तरंग दैर्ध्य हम इस समीकरण से ज्ञात कर सकते हैं। अब डिपेंड करेगा कि वो कण आवेशित है या अनावेशित, मतलब जिस पर अगर उस पर आवेश है तो आवेशित, जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, और जैसे न्यूट्रॉन है जिस पर कोई आवेश नहीं है, ठीक है, हम उसके लिए भी बात करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास में मेन पॉइंट आ गया है, ठीक है। अब देखो यहां पर हम भाई अगर कोई गतिशील कण है तो उसका द्रव्यमान की बात कर लेंगे, चाहे वो गतिशील हो और चाहे वो कैसा हो, चाहे वो आवेशित हो चाहे वो अनावेशित हो, के क्या है गतिज ऊर्जा है। अगर गतिशील कण है, अगर गतिशील आवेशित, अगर आवेशित कण है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, अगर वो उदासीन है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ठीक है। यहां पर काइनेटिक एनर्जी रख लेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कि कोई त्वरित आवेशित कण है उसके लिए मैं क्या ज्ञात करता हूं, तरंग दैर्ध्य ज्ञात करता हूं, ठीक है। तो यहां पर मैं सबसे पहले ए त्वरित आवेशित कण के लिए, त्वरित आवेशित कण के लिए क्या ज्ञात कर रहा हूं बच्चों, मैं तरंग दैर्ध्य ज्ञात कर रहा हूं, क्या ज्ञात कर रहा हूं तरंग दैर्ध्य, ठीक है। यहां समझना अच्छी तरीके से, तो मेरे को एक बात बताओ, अगर कोई त्वरित आवेशित, पहले बात जो कण है उस पर आवेश है, मान लिया कि वो आवेश q है, उसका द्रव्यमान क्या है स्मॉल m मान लिया, और ये भी मान लिया कि वो v वोल्ट विभवांतर से क्या है त्वरित है, क्या है त्वरित है। तो मैं यह लिख सकता हूं कि यदि q आवेश तथा स्मॉल m द्रव्यमान के किसी कण को v वोल्ट विभवांतर से त्वरित, देखो यदि कोई जो आवेशित कण है उस पर आवेश क्या माना हमने स्मॉल q माना,
ठीक है, उसका द्रव्यमान हमने क्या माना, एम माना, और ये माना कि वो कण है वो वी वोल्ट विभवांतर से क्या है या वी वोल्ट विभवांतर से त्वरित कराया जाता है, तो बच्चों उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, कण को वी वोल्ट विभवांतर से त्वरित कराया जाता है तो उसकी गतिज ऊर्जा बच्चों क्या होगी, के बराबर क्यू वी होगी, क्या होगी उसकी गतिज ऊर्जा, के बराबर क्यू वी होगी। तो यहाँ पर हम के की जगह क्या लिख सकते हैं, अगर कोई त्वरित आवेशित कण है तो के की जगह क्या लिख सकते हैं, क्यू वी लिख सकते हैं। तो हमारे पास में जो तरंग दैर्ध्य आएगी लैम्डा आएगी, वो लैम्डा हमारे पास में क्या निकल करके आएगी बच्चों, एच अपॉन रूट टू एम, या फिर मैं कहूं टू एम क्यू वी। बच्चों ये हमारे पास में मास्टर फॉर्मूला है, क्या है मास्टर फॉर्मूला है, जिसकी सहायता से हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन अल्फा कण इन सभी की क्या ज्ञात कर सकते हैं, तरंग दैर्ध्य ज्ञात कर सकते हैं। और वो कैसे ज्ञात कर सकते हैं, अगर हमें इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्ध्य ज्ञात करनी है तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, आपको पता है एच का मान तो कांस्टेंट है प्लैंक नियतांक के बराबर, एम क्या होगा इलेक्ट्रॉन का मास, क्यू क्या होगा इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होगा, और उसको वी वोल्ट से त्वरित कराया जाता है। तो वो डिपेंड करता है कि अपन 50 वोल्ट से त्वरित करा रहे हैं कि 10 वोल्ट से या 100 वोल्ट से, ठीक है। तो इसकी वी को तो आप रहने देना, आप इलेक्ट्रॉन के लिए ज्ञात कर रहे हैं, तो एच एम क्यू और इस वैल्यू रख करके जब सोल्व करोगे तब हमारे पास में जो वैल्यू आएगी, फाइनल रिजल्ट आएगा, वो क्या होगा लैम्डा ई इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ। इसी प्रकार से हम प्रोटॉन का मास, प्रोटॉन का चार्ज, ठीक है, इसी प्रकार से अल्फा कण का मास, अल्फा कण पर चार्ज, ऐसे एच की वैल्यू फिक्स है वो रख देंगे और हम सोल्व करेंगे तो फाइनल रिजल्ट आएगा, वो उसके हमारे पास में क्या आएगी तरंग दैर्ध्य आ जाएगी, ठीक है बच्चों। तो ये बात अच्छी तरीके से याद रखना। अब इसी फॉर्मूले से मैं आपको इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की और अल्फा कणों की, न्यूट्रॉन की मैं आपको तरंग दैर्ध्य ज्ञात करना सिखाऊंगा, मैं आपको व्युत्पन्न करके सिखाऊंगा, लेकिन आपको डायरेक्टली रिजल्ट याद रखने हैं, ठीक है। तो चलो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप, अब देखो अब हम ज्ञात करते हैं इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, देखो अब कैसे ज्ञात करते हैं, और हमारा जो मास्टर इक्वेशन है हम उसी से कैलकुलेट करके मैं आपको सिखाता हूं, लेकिन आपको मैं कह रहा हूं बार बार कि आपको डायरेक्टली रिजल्ट याद रखना है कि फाइनली रिजल्ट हमारे पास में क्या आता है। तो अब अपना फर्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रॉन के लिए डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य इलेक्ट्रॉन के लिए ज्ञात कर रहे हैं, तो बच्चों मैं इसको लैम्डा ई से क्या कर लेता हूं, डिनोट कर लेता हूं, ठीक है। अब देखो बच्चों आप सभी जानते हो किसके लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए, तो इलेक्ट्रॉन के लिए हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है एम ई होता है वो कितना होता है 9.8 × 10⁻³⁻³ किलोग्राम, ठीक है। अगर मैं इलेक्ट्रॉन पर आवेश की बात करूं, क्यू ई की बात करूं, तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो क्यू ई होता है वो ई के बराबर होता है, ई के बराबर होता है उसका मैग्नीट्यूड, और ये कितना होता है बच्चों 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलाम होता है, ठीक है, ये बात याद रखना। और अगर मैं बात करूं एच, तो बच्चों एच का मान 6.626 × 10⁻³⁴ जूल इंटू सेकेंड होता है, ठीक है। ये सभी वैल्यू एच की वैल्यू, एम की वैल्यू और क्यू की वैल्यू
जब हम इस इक्वेशन में रखते हैं तो हमारे पास में इलेक्ट्रॉन के लिए डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य ज्ञात हो जाती है। अतः मैं बात करता हूं इलेक्ट्रॉन के लिए, इसलिए इलेक्ट्रॉन के लिए डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य या इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्ध्य, तो ये सभी मान मैं उस इक्वेशन में रखता हूं तो हमारे पास क्या आता है लैम्डा बराबर है, एच की वैल्यू रखते हैं 6.626 × 10⁻³४। ठीक है, और उसके बाद में हमारे पास में रूट हो गया 2 × m, m की वैल्यू कितनी है 9.1 × 10⁻³। ठीक है, q की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1.6 × 10⁻¹⁹, और ये हमारे पास क्या हो गया v। ठीक है, ये डिपेंड करता है न्यूमेरिकल क्वेश्चन में हमें फर्स्ट क्वेश्चन में वी देता है और हमारे पास इलेक्ट्रॉन की क्या ज्ञात करवाता है तरंग दैर्ध्य ज्ञात करवाता है। अब बच्चों अब हम इसको जब सोल्व करते हैं, तो हमारे पास में क्या रिजल्ट आता है, जब हम इसको मान रखकर के सोल्व करते हैं तो हमारे पास में आता है लैम्डा ई बराबर 12.27 × 10⁻¹⁰ मीटर अपॉन रूट वी। यहाँ पर v की वैल्यू रखनी होती है, और बच्चों मैं आपको बात बताऊं 10⁻¹⁰ मीटर होती है बच्चों उसको हम क्या कहते हैं एक एंगस्ट्रॉम, क्या कहते हैं एक एंगस्ट्रॉम, आपने पढ़ा है एक एंगस्ट्रॉम बराबर क्या होता है 10⁻¹⁰ मीटर होता है। तो इस 10⁻¹⁰ मीटर को बच्चों में क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं एंगस्ट्रॉम, क्या लिख सकता हूं एंगस्ट्रॉम। तो आप डायरेक्ट याद रखना, इलेक्ट्रॉन की जो तरंग दैर्ध्य होती है डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य होती है वो कितनी होती है 12.27 × √v एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम में होती है मतलब 10⁻¹⁰ मीटर कोटि की होती है जिसे हम माप सकते हैं, इतनी छोटी भी नहीं होती है। ठीक है, जिसको हम माप ही नहीं सकते, इसलिए मैंने कहा था कि जो डी ब्रोगली परिकल्पना है वह सूक्ष्मतम कणों पर ही लागू होती है, स्थूल कणों पर लागू नहीं होती है, ये बात मैंने बताई थी। देख लो इलेक्ट्रॉन की जो तरंग दैर्ध्य आ रही है वो एंगस्ट्रॉम कोटि की आ रही है जिसको हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, जिसका हम मापन कर सकते हैं। ठीक है, अब बच्चों हमें जो एग्जाम में जो क्वेश्चन देगा उसमें हमें देगा कि एक इलेक्ट्रॉन है, वो 100 वोल्ट विभवांतर से क्या है त्वरित है, तो उसके हम तरंग दैर्ध्य ज्ञात करो। तो बच्चों आपको डायरेक्ट फॉर्मूला ये याद रखना है। ठीक है, और यहाँ पर v का मान अपने पास क्या है 100, तो यहाँ पर 100 का मैंने क्या किया रूट किया तो कितना हो गया 10 हो गया, तो हमारे पास में डायरेक्ट क्या आ गए ये हमारे पास में क्या आ गया आंसर आ गया। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, इसलिए मैंने कहा है आपको ये वैल्यू रखने के बाद में ये डायरेक्ट रिजल्ट आपको पता होना चाहिए, आपको सोल्व नहीं करना है, सोल्व करोगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, और वैसे भी ये डेरिवेशन हमारे इतनी काम नहीं आती है, वो अभी तक तो किसी एग्जाम में पूछी नहीं है। हाँ, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्ध्य इतनी होती है सिद्ध कीजिए, तो आप डायरेक्ट लिख देना हम जानते हैं कि किसी भी कोई भी त्वरित आवेशित कण होता है उसकी तरंग दैर्ध्य ये होती है, और इलेक्ट्रॉन के लिए हम ये जानते हैं, ये वैल्यू रख देना डायरेक्ट फाइनल रिजल्ट हमारे पास में आ जाएगा। ठीक है, जब इसको सोल्व करोगे तब यही आएगा, बस मैंने ये लिखा है 10⁻¹⁰ मीटर को यहाँ पर एंगस्ट्रॉम लिखा है। ठीक है, तो ये हमारे पास में क्या आ गई इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्ध्य आ गई। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट लेना। ठीक है, देखो इसके बाद हम आगे बात करते हैं, हमने इलेक्ट्रॉन के लिए क्या की डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य ज्ञात की, और इसके बाद में हम किसके लिए ज्ञात करते हैं बच्चों प्रोटॉन के लिए, प्रोटॉन के लिए भी हम डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य उसी प्रकार से ज्ञात करेंगे जिस प्रकार से हमने किसके लिए ज्ञात की बच्चों इलेक्ट्रॉन के लिए ज्ञात की, किसके लिए ज्ञात की इलेक्ट्रॉन के लिए ज्ञात की। तो अपना सेकेंड जो पॉइंट है वो क्या है, हमारा जो सेकेंड नंबर पॉइंट है वो क्या है प्रोटॉन, ठीक है बच्चों, प्रोटॉन के लिए डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य, जिसे हम लैम्डा पी कहते हैं। ठीक है, अब देखो कैसे ज्ञात करते हैं प्रोटॉन के लिए, तो बच्चों आपको पता है प्रोटॉन के लिए, या फिर मैं कहूं
प्रोटॉन के लिए, प्रोटॉन का जो हमारे पास सिंबल होता है वो क्या होता है, H, क्या होता है बच्चों, H11 पॉजिटिव। मतलब मैं ये कहूं जो प्रोटॉन होता है वो क्या होता है, उसके अंदर अगर मैं बात करूं प्रोटॉन को हम H पॉजिटिव से प्रदर्शित करते हैं, या फिर मैं कहूं P पॉजिटिव से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, ये हमारे पास प्रोटॉन है, ठीक है। अब देखो बच्चों, मैं आपको अच्छी तरीके से बताऊं, वैसे हम प्रोटॉन का मास भी लिख रखा है मैंने, और यहां पर मैंने जेड भी लिख रखा है। तो प्रोटॉन के लिए, प्रोटॉन के लिए हम जानते हैं कि, हमें जानते हैं कि, क्या जानते हैं बच्चों, जो प्रोटॉन का मास होता है एमपी, आपको पता है प्रोटॉन का जो मास होता है वो कितना होता है हमारे पास में, कितना होता है बच्चों, चलो बताओ कितना होता है, वो हमारे पास होता है 1.67 × 10⁻²⁷ केजी, किलोग्राम में, ठीक है। और अगर मैं बात करूं प्रोटॉन पर जो आवेश होता है क्यूपी, वो हमारे पास E के बराबर ही होता है। यहाँ पर हालांकि वह एक अलग बात होती है कि प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉन की क्या होता है, विपरीत प्रकृति का होता है, इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है तो प्रोटॉन पर धनावेश होता है। लेकिन बच्चों अपन यहाँ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, आवेश के क्वांटा के रूप में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कितना होगा, वही होगा 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। एच का मान वही है हमारे पास में, ठीक है ना। तो ये सभी वैल्यू हम कहाँ रख देंगे, वही हमारे मास्टर फॉर्मूले के अंदर रख देंगे। इसलिए हमारे पास में क्या जाएगी बच्चों, प्रोटॉन के लिए क्या जाएगी, तरंग दैर्ध्य आ जाएगी, प्रोटॉन के लिए डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य, जिसे मैं लैम्डा पी से क्या कर रहा हूं, प्रदर्शित कर रहा हूं, ठीक है। अब वो क्या आएगी, तो देखो बच्चो, लैम्डा पी बराबर क्या होगी हमारे पास में, एच अपॉन रूट 2m mp प्रोटॉन qp प्रोटॉन, मतलब प्रोटॉन का द्रव्यमान, ठीक है, प्रोटॉन का आवेश, और ये हमारे पास में क्या होता है, v वोल्टेज हमें क्वेश्चन में देगा, ठीक है ना। बाकी सभी हमें लिखना है, तो ये सभी वैल्यू मैं इसके अंदर पुट कर देता हूं। तो देखो हमारे पास में जब मैं ये सभी वैल्यू यहां पर रख देता हूं तो हमारे पास में क्या आता है, तो पहले रखते हैं हम ये सभी वैल्यू, तो ठीक है 1.76 × 10⁻²⁷ × 1.6 × 10⁻¹⁹ × v, ठीक है, ये सभी वैल्यू। तो जैसे ही ये सभी वैल्यू हम रखते हैं तो हमारे पास में जो रिजल्ट आता है बच्चों, वो रिजल्ट हमें डायरेक्टली याद रखना है, ठीक है, सोल्व नहीं करना है। कितना आता है, 0.286 × 10⁻¹० मीटर अपॉन रूट वी, ठीक है। और मैंने आपको बताया था 10⁻¹० मीटर किसके बराबर होती है, एक एंगस्ट्रॉम के बराबर होती है, इसलिए मैं ये भी लिख सकता हूं लैम्डा पी बराबर 0.286 / √v, और ये हमारे पास में किस में आ रही है बच्चों, एंगस्ट्रॉम में आ रही है। और जो मैंने आपको अच्छी तरीके से बता दिया था, यहां से हम अगर हमें ये कह दे कि एक प्रोटोन है और वो प्रोटोन बच्चों कितने वोल्ट विभवांतर से गति कर रहा है या आवेशित त्वरित है, तो हमें बी की वैल्यू देगी, हमें इस इक्वेशन में रख देंगे और हमारा फाइनल रिजल्ट, हमारा आंसर यहां से आ जाएगा। तो ये बात क्लियर। देखो इलेक्ट्रॉन की जो वेवलेंथ है वो भी एंगस्ट्रॉम में है, प्रोटॉन की वेवलेंथ है वो भी क्या है, एंगस्ट्रॉम में। इस प्रकार से हम ये ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, चलो इधर मैं आप उसका स्क्रीनशॉट लो, इधर मैं इतने कवर करता हूं, चलो आप ले लो एक बार। देखो स्क्रीनशॉट ले लिया, उसके बाद में मैं बात करता हूं ये हमारा कौन सा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट, ठीक है। अगर मैं तीसरे पॉइंट की अगर मैं चर्चा करूं तो तीसरा पॉइंट हमारे पास में क्या आएगा बच्चों, ड्यूट्रॉन के लिए डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य ज्ञात करना, और ड्यूट्रॉन के लिए जो डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य होती है उसे मैं लैम्डा डी से क्या कर रहा हूं, प्रदर्शित कर रहा हूं, ठीक है। इसी प्रकार से हमारा चौथा पॉइंट एक और होगा, और वह क्या होगा हमारे पास में, अल्फा कण किसके लिए बच्चों,
अल्फा कण के लिए डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य याद करना, जिसे हम क्या कहते हैं, लैम्डा अल्फा। ठीक है, अब ये सभी याद करेंगे तो देखो आप सभी जानते हो इसके लिए बच्चों ड्यूट्रॉन के लिए, ड्यूट्रॉन के लिए आप क्या जानते हो, ड्यूट्रॉन। तो पहले तो ड्यूट्रॉन क्या होता है, ड्यूट्रॉन हाइड्रोजन का समस्थानिक होता है जो जिसको H12 से प्रदर्शित करते हैं। और बच्चों याद रखना इसे हम शॉर्टकट में या हम इसे TB कहते हैं, कैपिटल D, लेकिन मैंने ये सिंबल इसलिए लिखा है आपको पता है इसके अंदर प्रोटॉन कितना है, एक होता है। Me मास दोगुना, प्रोटॉन के से इसका मास दोगुना होता है, तो मैं लिख सकता हूं कि Md होता है, क्या होता है बच्चों, Md होता है वो 2 × प्रोटॉन, प्रोटॉन के मास का कितना गुना होता है, दोगुना होता है, तो मैं यहां लिख सकता हूं 2 × 2 × 1.76 × 10⁻²⁷ kg। ठीक है, अगर मैं बात करूं इस पर आवेश की, क्या बात करूं, आवेश की, तो जो ड्यूट्रॉन होता है इस पर जो आवेश होता है तो वो बच्चों प्रोटॉन के आवेश के क्या होता है, बराबर ही होता है। ठीक है, मतलब मैं कहूं E के बराबर होता है जो Q होता है, जिसको मैं Qd से प्रदर्शित कर रहा हूं, जो किसके बराबर है, E के बराबर है। E की वैल्यू हमारे पास में यही है और ये हमारे पास में H की वैल्यू है। तो बच्चों अगर मैं आपको बात बताऊं तो ड्यूट्रॉन होता है तो ड्यूट्रॉन के लिए जो लैम्डा डी होती है, ये सभी वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे तो हमारे पास में देखो क्या आ जाएगा, 2 ऐसे कैसे है मास्टर फॉर्मूले में, H का वैल्यू ऐसे ऐसे है, M की वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे तो 2 × 1.76 × 10⁻²⁷ यहाँ पर हम आवेश रखेंगे तो 1.6 × 10⁻¹⁹ और ये हमारे पास में क्या जाएगा बच्चों, V आ जाएगा। जब हम इसको क्या करते हैं बच्चों, सोल्व करते हैं, क्या करते हैं बच्चों, हम इसको सोल्व करते हैं, हल करते हैं आगे, तो हमारे पास में फाइनल रिजल्ट क्या आता है बच्चों, क्या आता है, 0.202 × 10⁻¹⁰ एंगस्ट्रॉम आता है। और ठीक है बच्चों, या फिर मैं कहूं 10⁻¹⁰ मीटर आता है, सॉरी, ठीक है, और 10⁻¹⁰ मीटर को हम क्या कहते हैं, एंगस्ट्रॉम कहते हैं। तो ये हमारे पास में ड्यूट्रॉन होता है, वो ड्यूट्रॉन की जो क्या आ गई हमारे पास में तरंग दैर्ध्य आ गई 0.202 एंगस्ट्रॉम। बच्चों ये हमारे को फाइनल रिजल्ट याद रखनी है कि इलेक्ट्रॉन की कितनी होती है, 12.27/√V एंगस्ट्रॉम। ठीक है, प्रोटॉन की कितनी होती है, 0.286/√V एंगस्ट्रॉम। उसी प्रकार से ड्यूट्रॉन की कितनी होती है, 0.202/√V एंगस्ट्रॉम। डायरेक्ट रिजल्ट याद रखनी है, ड्राइव करना अगर हमें एक व्युत्पन्न करना आ गया तो हमें चारों व्युत्पन्न करनी आ गई, बेसिक बातें हमें पता होनी चाहिए, ठीक है ना, रटना बिल्कुल नहीं है। तो ये हमारे पास में क्या आ गया बच्चों, ड्यूट्रॉन के लिए आ गया। इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं अल्फा कण के लिए, तो बच्चों अल्फा कण क्या होता है, अल्फा कण हीलियम का नाभिक होता है, हीलियम का नाभिक होता है और द्विविध अनावेशित होता है। मतलब अगर मैं यहां पर द्रव्यमान की बात करूं, किसकी बात करूं, अल्फा कण के द्रव्यमान की, तो अल्फा कण का जो द्रव्यमान होता है वो बच्चों प्रोटॉन के द्रव्यमान का कितना गुना होता है, 4 गुना होता है। ये हमारे पास प्रोटॉन का द्रव्यमान और इसका कितना गुना होता है, 4 गुना। क्यों, देखो यहां पर हमारे पास में ए द्रव्यमान संख्या और द्रव्यमान संख्या क्या होती है, प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, ठीक है, यही तो बात होती है। मतलब यहां पर इसके अंदर बच्चों अगर मैं बताऊं, हीलियम नाभिक में हमारे पास में 2 प्रोटॉन होते हैं, 2 न्यूट्रॉन होते हैं, और बच्चों प्रोटॉन का द्रव्यमान और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग बराबर होता है, तो 2 प्रोटॉन का द्रव्यमान लगभग 2 न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है, तो 2 और 2 हमारे पास में कितने हो गए, 4, क्योंकि प्रोटॉन भी 2 होते हैं और न्यूट्रॉन भी 2 होते हैं, इसलिए मैंने यही बोल दिया कि प्रोटॉन के द्रव्यमान का लगभग 4 गुना। ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद में अगर आवेश की बात करूं, तो देखो आवेश की मैं अगर बात करूं तो बच्चों याद रखना ये आवेश प्रोटॉन के आवेश होता है उसका कितना होता है, 2 गुना होता है। मतलब अल्फा कणों पर जो आवेश होता है वो प्रोटॉन के आवेश का कितना होता है, 2 गुना होता है। तो यहाँ पर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और कुछ भी नहीं है, इसलिए हमारे पास में अल्फा कण के लिए अगर मैं बात करूं तो लैम्डा अल्फा होगी, वो लैम्डा अल्फा हमारे पास में क्या आएगी, तो देखो यहां पर रख देंगे, बस यहां पर जहां प्रोटॉन है वहां पर अल्फा कर देंगे, वैल्यू रखो
तो देखो टू है अल्फा, यहाँ पर हम दो से और मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको मैं एक बार करेक्शन और कर देता हूँ, चार द्रव्यमान है वो प्रोटॉन का कितना गुना है, चार गुना है, ठीक है, आवेश है वो कितना गुना है, दो गुना है, ठीक है, और ये हमारे पास में रूट भी ऐसे कैसे, ठीक है, ये रूट भी हमारे पास बच जाएगा और जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 0.101। ये मैं डायरेक्ट रिजल्ट याद रखने हैं बच्चों, जब इसको सॉल्यूशन करेंगे आप कैलकुलेटर से करके देख लेना, तो जब आप कैलकुलेटर से सोल्व करोगे तो आपके पास ये ही आएगा, ठीक है, कैसे भी सोल्व कर लेना आपके पास ये रिजल्ट आएगा। 10^-10 मीटर का अपन बच्चों क्या कहते हैं, एंगस्ट्रॉम कहते हैं, तो अल्फा कणों के लिए जो हमारे पास में तरंग दैर्ध्य आ रही है वो क्या आ रही है, 0.101/√V एंगस्ट्रॉम। ये हमारे पास में हमने अल्फा कण के लिए भी ज्ञात कर दी और हमने न्यूट्रॉन के लिए भी ज्ञात कर दी, और बच्चों आपको ये डायरेक्टली याद रखने हैं। एक डेरिवेशन को आप देख लो कैसे करते हैं, वैसे ज्यादातर हमारे एग्जाम की दृष्टि से इसकी डेरिवेशन इंपोर्टेंट नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूले इंपोर्टेंट है और उन फॉर्मूलों पर डायरेक्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, जिनकी प्रैक्टिस मैं आगे आने वाले वीडियो लेक्चर में अलग से न्यूमेरिकल का लेके आऊंगा, डिटेल से आपको मैं प्रैक्टिस कराऊंगा। तो बच्चों ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर करें, ठीक है बच्चों। तो चलो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अपन, आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों अब अपन बात करते हैं अनावेशित कणों के लिए, अनावेशित कणों के लिए डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य ज्ञात करना। जैसे अनावेशित कण जैसे गैस परमाणु हुआ, ठीक है, कोई और कोई न्यूट्रॉन हुआ, न्यूट्रॉन होता है उस पर आवेश नहीं होता है, तो इन पर हमें इनके लिए हम डी ब्रोगली जो तरंग होती है, तरंग दैर्ध्य होती है वो हम कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है, उसको ज्ञात करना हम सीखेंगे। वैसे मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि इनके जो डायरेक्ट रिजल्ट होते हैं वो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट होते हैं। आपने देखा होगा जिस प्रकार से हमने इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य निकाली है, उसी प्रकार से मैंने प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन और अल्फा कण की निकाली है, ठीक है ना, ये सिमिलर ही है। तो अब अपना सेकंड पॉइंट है, या फिर मैं कहूं जो बी पॉइंट है वो अपना क्या है, अनावेशित कणों, अनावेशित कणों जैसे न्यूट्रॉन, जैसे बच्चों न्यूट्रॉन एवं गैस परमाणु, न्यूट्रॉन एवं गैस परमाणु के लिए डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य ज्ञात करना, ठीक है। अब देखो डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य बच्चों कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखो बच्चों अगर मैं सबसे पहले अगर आपसे मैं बात करूं तो सबसे पहले बात अगर मैं आपको बताऊं, यदि कोई m द्रव्यमान का कण है, अब भाई अनावेशित हो चाहे आवेशित हो उसका द्रव्यमान तो होगा ही होगा, यदि m द्रव्यमान का हमारे पास में कोई कण है या तो वो न्यूट्रॉन हो या फिर वो गैसीय परमाणु हो, ठीक है, वो टी ताप पर, कितने ताप पर, टी ताप पर साम्य अवस्था में है, क्या है, साम्य अवस्था में है, तो मैं अगर मान सकता हूं या फिर मैं कह सकता हूं यदि यदि स्मॉल m द्रव्यमान का कण है, स्मॉल m द्रव्यमान का कण है टी ताप, या फिर मैं कहूं टी ताप कैल्विन या टी कैल्विन ताप पर है साम्य अवस्था, या फिर मैं कहूं तापीय साम्य अवस्था, कौन सी साम्य अवस्था, तापीय साम्य अवस्था या साम्य अवस्था एक ही बात है, यदि m द्रव्यमान का कण टी केल्विन ताप पर है तापीय साम्य अवस्था में, कौन सी अवस्था में, तापीय साम्य अवस्था में है तो ऊर्जा समय विभाजन नियम से, ऊर्जा समय विभाजन नियम से बच्चों ये ऊर्जा समय विभाजन नियम आपने 11th क्लास में जो केटीजी थ्योरी थी
जो गैसों का अनुगतिक सिद्धांत था उसके गैसों के नियम, जो गैस वाला चैप्टर था उसके अंदर थर्मोडायनेमिक्स वगैरह में आपने पढ़ा होगा ऊर्जा समविभाजन का नियम। तो बच्चों यदि एम द्रव्यमान का कोई अनावेशित कण है, टी केल्विन ताप पर तापीय साम्यावस्था में है, तो ऊर्जा समविभाजन नियम से कण की जो गतिज ऊर्जा होगी क्या होगी, ऊर्जा समविभाजन नियम से जो कण की गतिज ऊर्जा होगी क्या होगी, गतिज ऊर्जा, वो गतिज ऊर्जा के, गतिज ऊर्जा कैपिटल के बराबर 3/2 kT होगी। ये बात आप अच्छी तरीके से याद रखना, ये हमारे पास गतिज ऊर्जा होगी। बच्चों यहां पर T क्या है, यहां पर T हमारे पास परम ताप है, T हमारे पास क्या है बच्चों, जहां पर T क्या है, परम ताप, और बच्चों ये K है ठीक है ना, ये मैंने कैपिटल लिखा है थोड़ा स्मॉल टाइप में, इन दोनों में डिफरेंट है ठीक है ना, मतलब ये के वो के है काइनेटिक एनर्जी वाला, और ये के कौन सा है, वोल्ट्ज़मान नियतांक, क्या है बच्चों ये वोल्ट्ज़मान नियतांक है, और बच्चों इसकी वैल्यू 1.38 × 10⁻²³ जूल प्रति केल्विन होती है ठीक है। थोड़ा ये बात भी आप अच्छी तरीके से ध्यान रखना ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात बस यही है, अगर ये पता है तो बाकी वही अपने पुराने रूल है जिस प्रकार से हम निकालते हैं, तो आपको पता है अच्छी तरीके से कि आवेशित कण के लिए या मैं कहूं अनावेशित कण के लिए हमारे पास में जो तरंग दैर्ध्य होती है वो कैसे ज्ञात करते हैं बच्चों, अनावेशित कण के लिए, डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य क्या होती है बच्चों, लैम्डा बराबर एच अपॉन √2mK, और बच्चों यहां पर K, ये K वही है काइनेटिक एनर्जी वाला, और मैं यहां पर K की वैल्यू रखता हूं तो 2mK, K की वैल्यू क्या रखूं 3/2 kT, यहां से 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो मेरे पास जो लैम्डा की वैल्यू आई है वो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ रही है, वो आ रही है H अपॉन √3kT, ये मेरे पास वैल्यू आ गई, जहां पर K क्या है बोल्ट्ज़मान नियतांक है बच्चों, और T क्या है परम ताप है, ये बात आप अच्छी तरीके से ध्यान रखना ठीक है। अब बच्चों यहां पर और देखना, सॉरी एक मिनट, यहां पर M और छूट गया, MKT ठीक है, M क्या है अनावेशित कण का द्रव्यमान है, T क्या है बच्चों यहां पर बोल्ट्ज़मान नियतांक है, T क्या है परम ताप। जिस प्रकार से न्यूमेरिकल क्वेश्चन में आवेशित कण के लिए विभवांतर देता है, वैसे ही अनावेशित कण के लिए आपको देगा कि एक न्यूट्रॉन है वो 300 केल्विन ताप पर तापीय साम्यावस्था में है, तो उसके लिए डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य ज्ञात कीजिए, K की वैल्यू पता है, न्यूट्रॉन है तो न्यूट्रॉन का मास भी आपको क्या है पता है। अब देखो यदि इक्वेशन में आपको पता है जहां पर एम हमारे पास क्या है, के क्या है परम है, टी क्या है बच्चों परम ताप है, जो मैंने ऑलरेडी लिख चुका तो रहने दो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो अब मैं न्यूट्रॉन के लिए बात कर रहा हूं, तो बच्चों अगर मैं न्यूट्रॉन के लिए बात करूं तो न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है Mn वो किसके बराबर होता है, प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर ही होता है लगभग, अरे बराबर होता है लगभग, तो कितना होता है 1.76 × 10⁻²⁷ kg। तो देखो इस फॉर्मूले में हम रखते हैं एच की वैल्यू 6.626 × 10⁻³⁴ ठीक है, यहां पर हम वैल्यू रखते हैं, सारी की सारी वैल्यू पुट करते हैं, यहां पर 3, एम की वैल्यू मैं रखता हूं 1.76 × 10⁻²⁷ के की वैल्यू रखता हूं मैं 1.38 × 10⁻²³ जूल प्रति केल्विन, और मैं क्या रख देता हूं √T। तो बच्चों ये सारी वैल्यू रखने के बाद में मेरे पास जो लैम्डा की वैल्यू आती है वो वैल्यू कितनी आती है बच्चों, कितनी निकल करके आती है 25.2 अपॉन √T,
अपॉन रूट टी। ये बात अच्छी तरीके से याद रखना। और किस कोटि में आएगी बच्चों? एंगस्ट्रॉम की कोटि में। ये आपको डायरेक्टली रिजल्ट याद रखना है। क्या करना है बच्चों? डायरेक्टली रिजल्ट याद रखना है। और बच्चों अगर मैं आपसे एक बात और करूं, कभी कभी तापीय साम्य अवस्था में ऊर्जा की कोटि, या फिर मैं कहूं अधिकतम संप्रभावी ऊर्जा होती है वो कितनी हो जाती है, या अधिकतम जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो कितनी हो जाती है, केटी भी हो जाती है। तो जब यहां पर केटी रखते हैं इस फॉर्मूले में, के की जगह अगर मैं केटी रखता हूं, तो बच्चों केटी अगर मैं रखता हूं, अगर मैं 3/2 अपॉन केटी न रख करके जो अधिकतम संप्रभावी ऊर्जा होती है अगर मैं वो रखूं, जिसकी वैल्यू मान कितना होता है, केटी होता है। तो जब मैं यहाँ पर केटी रखूं, के की जगह केटी रखूं, तो हमारे पास में क्या निकल के आता है, लैम्डा बराबर एच अपॉन रूट टू एम के टी। ठीक है, तो अगर मैं ये रखने के बाद में अगर मैं सोल्व करता हूं, तो मेरे पास में न्यूट्रॉन की जो तरंग दैर्ध्य आती है लैम्डा एन आती है, वो मेरे पास में बच्चों कितनी आती है, वो आती है 30.8 रूट टी एंगस्ट्रॉम, ये मेरे पास में आती है। ठीक है, ये दोनों ही होती है। ठीक है, ये तब होती है जब वो अधिकतम संप्रभावी ऊर्जा से गति कर रहा हो। ठीक है, और ये जब नॉर्मली अपन बात करते हैं जनरल वे में। ठीक है ना, ये बात आप अच्छी तरीके से ध्यान रखना। ठीक है, यहां तक ये आपका क्लियर है कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से? तो चलो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो याद रखना, कभी कभी तापीय ऊर्जा होती है वो केटी की कोटि भी, केटी कोटि की भी मानी जाती है। ठीक है ना, ये विशेष ध्यान रखना। ठीक है ना, जो क्या होती है, अधिकतम प्रसंभव ऊर्जा होती है, ये बात आप स्पेसिकल याद रखना। और जब हम केटी लेते हैं तब हमारे पास रिजल्ट ये आता है। ठीक है, ये बात अच्छी तरीके से याद रखना। तो आज हमारा इस वीडियो लेक्चर में ये हमारा जनरल वे एक तरीके से डेरिवेशन पार्ट था। हमने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन और हमने ड्यूट्रॉन अल्फा कण, इन सभी के बारे में मैंने क्या ज्ञात की थी बच्चों, डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य ज्ञात की थी मैंने, डी ब्रोगली समीकरण भी ज्ञात करना सिखाया, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। तो बच्चों हमारे पास में डायरेक्टली रिजल्ट आपको याद होने चाहिए। आज के जो वीडियो लेक्चर है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो ये डायरेक्ट रिजल्ट आ रहे हैं, इन डायरेक्ट रिजल्ट से हमारे एग्जाम में क्या पूछे जाते हैं बच्चों, न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की जो हमारे पास में तरंग दैर्ध्य होती है वो कितनी होती है, ये बात, ये हमारे पास डायरेक्ट रिजल्ट आया था। इसी प्रकार से हमारे पास प्रोटोन था, प्रोटोन के अंदर हमारे पास में जो डायरेक्ट रिजल्ट आ रहे थे वो पूछा हमने। ठीक है, वो याद किया हमने। उसके बाद में हमारे पास में जो आ रहा था ड्यूट्रॉन आ रहा था, ड्यूट्रॉन के बारे में मैंने बात की, तो जो डायरेक्ट रिजल्ट हमारे पास में आ रहे थे, ठीक है, वो हमने कैलकुलेट किया, ड्यूट्रॉन के बारे में तरंग दैर्ध्य ज्ञात की। फिर हमने किसके बारे में ज्ञात की बच्चों, अल्फा कण के लिए बारे में बात की। तो अल्फा कण के लिए हमारे पास जो डायरेक्ट रिजल्ट आ रहा था वो अच्छी तरीके से याद होना चाहिए। फिर न्यूट्रॉन के लिए ये आपके पास दोनों रिजल्ट है, जब वो अधिकतम संप्रभावी ऊर्जा से गति कर रहा हो, तापीय साम्य अवस्था में हो, और जब वो नॉर्मली, जब हम कितनी ऊर्जा लें, 3/2 KT। ठीक है, जब काइनेटिक एनर्जी लें ऊर्जा समविभाजन नियम से। तो बच्चों आज का वीडियो में हमने ये सारी चीजें कवर की। तो बच्चों अगर वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। आपको लगातार वीडियो मिलते जाएंगे। अब हम जल्दी कल या परसों इस वीडियो लेक्चर को खत्म कर देंगे और हम इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे और हम एटम वाले चैप्टर के अंदर एंट्री कर जाएंगे। ठीक है, और उसको भी हम जल्दी से फिनिश कर लेंगे। बहुत छोटे छोटे चैप्टर हैं और बहुत इजी और बहुत ही सिंपल चैप्टर हैं। आपके कोई डाउट हो तब कमेंट बॉक्स में जाइए और वहां जाकर के कमेंट कीजिए। जल्दी ही मैं आपके लिए जो ऑप्टिक्स वगैरह, मैं सोच रहा हूं कि एक और मैं आपको डबल सीरीज चला दूं, एक यूनिट के अलग, एक यूनिट के अलग, ताकि हमारा सिलेबस जल्दी हो पाए, हम अच्छे तरीके से कवर कर पाए। ठीक है बच्चों, ओके।